आज का अपनी जो क्लास है उसको शुरू करते हैं, और कल से आगे हम आज डिस्कस करेंगे टेंसेज के बारे में। कल हमने बात को प्रेजेंट टेंस के पहले पार्ट पे छोड़ा था कि प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो पार्ट होते हैं, फंक्शनल एंड डिस्क्रिप्टिव। फंक्शनल जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसका जो एग्जांपल है मैं लिखता हूँ, मतलब इसके अंदर एक मेन वर्ब है, मतलब कोई ना कोई कार्य किया जा रहा है। इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव के अंदर राम एक लड़का है, राम कौन है, उसका वर्णन किया जा रहा है कि राम एक लड़का है। इसकी आइडेंटिटी या पहचान क्या होती है, इसकी कैसे पहचानेंगे। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि टेंसों को हम दो चीज़ों के लिए पढ़ते हैं, एक ट्रांसलेशन के लिए और दूसरा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए यूज करते हैं। तो उसके लिए हमें उसका आइडेंटिफिकेशन जानना ज़रूरी है कि किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे एक हिंदी के सेंटेंस को, जिससे कि हम उसका सही ट्रांसलेशन कर सकें। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए तो हमें इंग्लिश का ही सेंटेंस मिलेगा जिसके अंदर एक ब्लैंक स्पेस होगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें ब्रैकेट में दी जाएगी और उस मैन वर्ब में दी गई फर्स्ट फॉर्म का प्रॉपर या करेक्ट फॉर्म जो है वो हमें उस ब्लैंक स्पेस में फिल करना है। अब हिंदी के सेंटेंस में ये जो चार वर्ड आपको दिख रहे हैं ये वर्ब के एंड में हो, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वो जो गिवन सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, उसका जो फॉर्मूला है वो ये है, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में एस और ईएस, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट, और फुल स्टॉप लगाना नहीं भूले। क्योंकि जब तक सेंटेंस में फुल स्टॉप या कोई भी साइन जिस प्रकार का वो सेंटेंस होता है उसमें वो जो पंक्चुएशन मार्क है वो अपन अप्लाई नहीं करते हैं, तब तक सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट रहता है। दूसरा मैंने और लगा के एक और फॉर्मूला नीचे लिखा है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब आप देख रहे हैं कि दोनों फॉर्मूले के अंदर इसका एस और ई एस का डिफरेंस, सब्जेक्ट इसमें भी है, इसमें भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी है, इसमें भी है, और ऑब्जेक्ट दोनों में। इसके आगे आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसके साथ में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है उसके लिए अपन ने लिखा है फॉर अदर सब्जेक्ट। तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि ये जो फॉर्मूला है वो हम तब काम में लेंगे जब किसी सेंटेंस का, मतलब हिंदी वाले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो कल पिछले वीडियो में हमने देखा, ही सी इट, एक व्यक्ति का नाम या एक वस्तु का नाम, सिंगल पर्सन सिंगल थिंग, उनका नाम होना चाहिए, वो नाम जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। नीचे वाला जो फॉर्मूला है वो हम किसके लिए यूज करेंगे, फॉर अदर सब्जेक्ट्स, अदर का मतलब इनके अलावा जो बच गए हैं उन सभी के लिए। तो इसको आप दूसरी तरह से ऐसे लिख सकते हैं, विथ ही सी इट एंड नेम ऑफ वन पर्सन और थिंग, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये, और आई वी यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स, मतलब दे दीज दोज या एक से ज़्यादा व्यक्तियों के नाम या एक से अधिक वस्तुओं के नाम जो होते हैं उन सब के लिए हमें इस फॉर्मूले को यूज करना, मींस इन शॉर्ट एस और ई एस यूज नहीं करना है इन सब्जेक्ट के साथ में, मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में,
इन सब्जेक्ट के साथ में हमें एस और ईएस ऐड करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यही इस टेंस की सबसे स्पेशल और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एस और ईएस ऐड करना। चलिए अब इसके रूल पढ़ते हैं। रूल पहला है ऑलवेज यूज मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। इस टेंस में हमेशा ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ये कोई भी फॉर्म इस टेंस में काम नहीं आती। हमेशा मुख्य क्रिया के प्रथम रूप या फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, करना पड़ेगा। दूसरा, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, वाक्य का कर्ता यदि इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन एक वचन है, देन वी एड एस और ई एस, तब हम एस और ई एस जोड़ेंगे इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब यहाँ सब्जेक्ट की जगह ये हो, इनमें से कोई सा भी हो, तब हमें इस रूल को अप्लाई करना है। यदि ये हो तब हमें इसको देखना भी नहीं, डायरेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए, अपना काम तमाम, मतलब सेंटेंस के ट्रांसलेशन का काम तमाम। उसके बाद में थर्ड, ये होगा तो ये होगा, समझ रहे हैं ना? मतलब सेकंड रूल यदि अप्लाई कर रहे हैं तब थर्ड रूल अप्लाई होगा, यदि सेकंड अप्लाई नहीं हो रहा है तो फिर थर्ड भी नहीं होगा, क्योंकि ये इसी पे बेस्ड है। हमने इसमें क्या देखा, एस और ईएस का यूज करना। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि एस यूज होगा या फिर ईएस यूज होगा। तो यदि ये होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, मतलब सेकंड है तो थर्ड है, सेकंड नहीं है तो थर्ड भी नहीं है। तो इन शॉर्ट आप देख रहे हैं कि ये जो नीचे वाले सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए तो केवल ये एक रूल है, किसके लिए, इन सब्जेक्ट्स के लिए, मतलब इस फॉर्मूले के लिए। और जो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है या फिर ये जो सारे सब्जेक्ट हैं इनके लिए हमारे पास में ये पूरे तीनों के तीनों रूल्स हैं। ओके, तो तीसरा रूल क्या कह रहा है, थर्ड रूल भी क्या है, इफ द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ब, यदि क्रिया का अंतिम अक्षर इज ए एक्स सी एच एस एच डबल एस ओ जेड, तो देन तब वी एड, हम जोड़ेंगे ई एस, क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे। और यदि नहीं है, इनमें से कोई सा भी नहीं है लास्ट में, तब हम केवल एस जोड़ेंगे। लुक हियर, जी ओ गो हमारे पास में एक मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म भी है, इसके अंदर ऑलवेज हम ई एस ऐड करेंगे। दूसरी है ये ईट, ई ए टी, इसके एंड में इनमें से कोई सा भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हमने इसमें क्या ऐड किया है, एस। ये तो हो गए आपके रूल। अब पिछले वीडियो में आपने देखा था कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो होता है जिसके एंड में फुल स्टॉप हो और उसके अंदर नोट नहीं हो, नोट नहीं हो, क्वेश्चन मार्क नहीं हो, एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं हो, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। एग्जांपल्स के अंदर अपन देखते हैं अभी, ट्रांसलेशन के लिए मैं एक दो एग्जांपल आपको बता देता हूँ जिससे आपको और भी ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर वन, वो वहाँ पे एक लिखा हुआ है, मैं लिखता हूँ, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन या कोई भी इस टेंस से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस हो उसका ट्रांसलेशन करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि जो ये चीज़ें यहाँ पे हैं उनको अप्लाई कर दीजिए, जो चीज़ अप्लाई हो रही है उसको अप्लाई कीजिए, जो नहीं हो रही है उसको छोड़ दीजिए, आपका काम बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए,
सबसे पहले हमें चाहे वो कोई से भी हम फॉर्मूले को अप्लाई करें, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसके अंदर है मैं, मैं को हम इंग्लिश में कहते हैं आई। उसके बाद में हमने देखा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये है लिखना और इसको कहते हैं राइट। तो हमने यहाँ पे लिखा राइट। अब आगे हूँ है, मतलब ऑब्जेक्ट तो है नहीं, हमारा सेंटेंस किसके लिए रुका हुआ है, एस और एस के लिए रुका है। लगेगा या नहीं लगेगा, पहला रूल हमने अप्लाई किया ऑलवेज यूज मैन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, वो हमने लिख दिया। उसके आगे एस और एस ऐड करना, उसके लिए हमें किसको देखना पड़ेगा, इसको देखेंगे। सेकेंड रूल, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, इसका मतलब हमें एस और एस ऐड नहीं करना है, हमारा जो सेंटेंस का ट्रांसलेशन है वो यहीं पे एंड हो गया है, हमें अपनी तरफ से इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना है। चलिए दूसरा मैं आपको और बता देता हूँ जिसमें एस और एस ऐड करने वाला, वह है खेलता है। राधा खाना पकाती है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि हमें सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट है ही और सी, दोनों का मीनिंग वह होता है, लेकिन ये फीमेल के लिए, ये मेल के लिए, तो इसका पता कहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा। ता है इसका मतलब मेल है, तो हम लिखेंगे ही। उसके बाद में हमें लिखनी है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलने को अपन कहते हैं प्ले, खेलने को कहते हैं अपन प्ले। उसके बाद में हमें एस और एस ऐड करना है, बोलिए क्या होगा, वह है थर्ड पर्सन सिंगुलर में है, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हमें एस और एस ऐड करना है, तो एस और एस ऐड करेंगे तो एस ऐड होगा या ई एस, इसके लिए थर्ड रूल एंड में उनमें से कोई सा भी लेटर नहीं है, तो फिर हम क्या ऐड करेंगे एस, और हमारा जो सेंटेंस है वो हो गया है एंड। थर्ड वन, राधा किसी व्यक्ति का नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम है, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ में हमें एस और एस जोड़ना है। किस में जोड़ेंगे, इसमें जो मैन वर्ब है वो है पकाना, पकाने को हम कहते हैं कुक, क्या कहते हैं कुक। इसके अंदर एंड के अंदर के आ रहा है, यहाँ पे के कोई सा भी लेटर नहीं है, मतलब केवल एस ऐड होगा, जो ओ है वो इस कॉन्सोनेंट से पहले है, लास्ट में ओ होना चाहिए तब ई एस जुड़ता है, फिलहाल के है तो हमने इसके अंदर क्या ऐड किया है एस, राधा कुक्स। अब इसके अंदर खाना और है, मतलब ऑब्जेक्ट भी है, तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे अपन इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, राधा कुक्स फूड। आई होप आपको अच्छी तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गए होंगे, फिर भी यदि कोई दिक्कत हो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने जो भी डिफ़िकल्टी है वो कमेंट के माध्यम से मेरे तक पहुंचाएं, जिससे आपको बेटर वे में अंडरस्टैंड कराया जा सके। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।